अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मसाला। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई गरम करने रखी है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया डाला है। तो ये देखिए इस तरीके से साबुत धनिया है, तो करीब 2 चम्मच है। और ये 1/2 चम्मच के करीब मैंने सौंफ डाली है, हरी सौंफ वरियाली बोलते हैं जिसको। और ये मैंने डाल दिए है काली मिर्च, तो ये भी 1/2 चम्मच के करीब लेंगे। और लेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जिसको बोलते हैं वो, और ये भी मैंने 1/2 चम्मच लिया है। 2 इलायची लेंगे, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है इसको। और बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इसे, हमें सिर्फ हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे उतना ही इसको भूनना है। और ये जैसे ही भून जाएगा इसे एक प्लेट में निकाल कर मैं ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करके इसे हमने पीस लेना है। तो ये देख सकते हो अब बहुत अच्छे से इसमें खुशबू आने लगी है, ये देखिए। तो देखिए भुन चुका है अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अभी इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और ये देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी काजू, ये देखिए। तो ये टुकड़ा काजू है मेरे पास, और अगर आपके पास साबुत काजू है तो आप 6 से 7 या 8 काजू ले लें। तो ये टुकड़ा काजू है मेरे पास, तो ये टुकड़ा काजू मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो ज़्यादा काजू की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए। इसकी जगह आप लोग चने का आटा जो है उसको भी रोस्ट करके डाल सकते हो। तो बस इसे मैंने भून कर निकाल लिया है, और अभी यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब तेल मैंने डाल दिया है। और अभी मैं इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च को इस तरीके से रफली मैंने चॉप किया है। तो ये 1/2 शिमला मिर्च है और 1/2 प्याज है, और इसको इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं पनीर, उसके अंदर इस तरीके के बड़े वाले जो पीस होते हैं ना शिमला और प्याज के, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस इसी के लिए हम लोग थोड़ा इसको भून लेंगे, मतलब शॉर्टे कर लेंगे इसको हल्का हल्का सा। तो ये देखिए इस तरीके से शॉर्टे हो रहा है। इसको ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं लेना है, इसका जो नेचुरल कलर है इसे बरकरार रखते हुए इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी, उसके बाद ही इसको ज़्यादा डार्क ना करें, लाइट कलर ही रहने दें, ताकि हरी मिर्ची का जो शिमला मिर्ची का जो ग्रीन कलर है वो उठ कर आए, उभर कर आए। तो ये मैंने भून के निकाल लिया है। इसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर के क्यूब्स, तो मैंने बड़े वाले पीस रखे हैं, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हो। तो आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, तो रेस्टोरेंट के तरीके से ही बनाएंगे। तो बड़े बड़े पीस मैंने रखे हैं, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए। तभी इसको अच्छे से मैं, ये फ्रीज वाला था तो इसीलिए ये ज़्यादा चटक रहा है पानी में, मैंने इसे फ्रीज से निकाला है और इसमें डाल दिया है। तो ये ठंडा है, तो आप पहले इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद इसे आप तेल में डालें। तो देखिए ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है, इसको निकाल लिया है मैंने एक प्लेट के अंदर। अभी इसके अंदर डाल देंगे देसी घी 1 चम्मच, ये भी ऑप्शनल है, इसकी जगह आप बटर डाल सकते हो या खाने का तेल में भी बना सकते हो। तो ये देखिए 1 बड़ा चम्मच देसी घी था, देसी घी से बिल्कुल बाहर जैसा ही टेस्ट आएगा। तो ये मैंने डाल दिया है 1 चम्मच, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब तेल भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तेल और घी दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए अभी इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद इसके अंदर, तो मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको प्यूरी कर लिया पहले, मैं इसमें तेज़पत्ता डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने तेज़पत्ता डाल दिया, और 4 से 5 मैं इसके अंदर लौंग डालने वाली हूँ, इससे काफ़ी अच्छा खुशबू आएगा। क्योंकि सादे दूसरे मसाले तो जो हमें पीस के लेने हैं, और ये जो मसाले हैं इसे इस तरीके से साबुत डालना है। और देखिए, और प्यूरी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, थोड़ी जो प्याज की इस तरीके से कनी जो होती है ना वो लगनी चाहिए। तो आप इसी तरीके से इसके अंदर डालकर इसे बनाएं, बहुत ज़्यादा प्यूरी ना करें प्याज की। और इसे हल्का सा ब्राउन कलर होने देंगे, पानी इसका पूरा सूख जाने देंगे अच्छे से, ये देख सकते हो आप लोग। और जो मैंने काजू मसाला पीसा भुना था उसको भी काजू के साथ ही मैं पीस लूँगी, एकदम बारीक पाउडर बनाना है उसका। और देख सकते हो आप लोग इसका पानी सूख गया है। और टमाटर की भी प्यूरी की है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा, और हो सके तो इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें, जो टमाटर और प्याज का पानी है उसी पानी के साथ इसको पीसे। अगर ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना पानी ना डाले तो बेहतर है। तो देख सकते हो अभी इसको एकदम अच्छे से तेल ऊपर आए वहाँ तक के पका लेंगे, टमाटर को भी अच्छे से इसके साथ सोख लेंगे।
और एकदम अच्छे से इसको पकने देंगे कुछ देर के लिए। ये पक रहा है वहाँ तक कि हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो देखिए काजू और जो मसाला मैंने भुना था वो मैंने ले लिया है और देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है, तो देख सकते हो आप लोग। तो काजू और जो मसाला हमने ड्राई मसाला जो लिया था, तो देखिए इस तरीके से ये पूरा पीस गया है, अच्छा इसका भुक्का हो गया है। और अभी इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। तो ये आधा कप के करीब मैंने दही लिया है, तो ये मीडियम दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं है और ज़्यादा पानी वाली दही नहीं ली है मैंने। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और एक एक चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। और ये सब कसूरी मेथी लेंगे आधा चम्मच के करीब, तो कसूरी मेथी मैंने ली है, इसको हाथ से हल्का सा क्रश करके डालें। कसूरी मेथी का इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें इसमें। और एक लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने, इससे कलर भी अच्छा आएगा और तिखास भी अच्छी रहेगी। तो ये एक चम्मच के करीब मैंने ऐड कर दिया है। और आधी चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, जो कि घर का गरम मसाला है, तो आपके पास जो भी गरम मसाला हो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर बाहर का पैकेट वाला है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास होममेड है घर का बना हुआ, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और अभी इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक घोल बना लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे इसका। और वहाँ पर जो है प्याज टमाटर भी जो है वो सोटे हो रहे, पक रहे, उसका पूरा पानी सूख जाए वहाँ तक इसको पकाएंगे। और अभी ये मसाला मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, तो ये देख सकते हो इस तरीके से मसाला पहले नीचे आप रेडी कर ले, उसके बाद आप इसे कढ़ाई में डालिएगा, घोल बना लेंगे अच्छे से इसका, तो देख सकते हो इस तरीके से। और अभी देखते हैं कि मसाले का क्या हाल हुआ है। बाहर जो है ना ढोल बज रहा है, तो इसकी आवाज़ को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और देखिए अच्छे से तेल जो है पूरा साइड में आ गया है, तो मसाला अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए वे मसाले के साथ भी इसको अच्छे से पकने देंगे और पूरा तेल जो है ना वो साइड पर निकल कर आ जाएगा। तो बस मसाला हमारा तैयार है, तभी मैं इसको ढक के 4 से 5 मिनट तक के इसे ढक के पका लूँगी। तो अभी मैं इसको लीड लगा दूँगी अच्छे से और ढक दूँगी अभी मैं। और नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए तो नमक मैंने इसमें पहले थोड़ा डाला था और अभी मैं और थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और ये नमक के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स करके इसे मैं ढक दूँगी और ढककर अच्छे से इसको पकने देंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। और बहुत अच्छी, अभी तो मसाला पका भी नहीं है लेकिन खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आ रही है। और बस इसे मैं देखिए इसे मैं थोड़ा सा ढक दूँगी, और बीच में अगर इसमें पानी की ज़रूरत लगी तो आप आधा कप के करीब पानी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं ढक्कन हटा के, तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसमें जो है वो तरी आ गई है, पूरा मसाला तेल एकदम सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें पनीर के पीस ऐड कर देंगे और पनीर के पीस के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और कुछ देर के लिए इसी मसाले में मैंने इसमें अभी पानी ऐड किया है, तो देखिए इसी मसाले के अंदर पनीर को थोड़ा पका लेंगे, ताकि जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर आ जाए, मिर्ची का फ्लेवर आ जाएगा इसमें, नमक जो है वो थोड़ा इसके अंदर। तो इस तरीके से पूरा मसाला जो है हमें तैयार करना है, तो इसे 1 मिनट के लिए मैं इसी के अंदर पका लूँगी। ये देख सकते हो आप लोग, और 1 मिनट हो चुका है, देखिए तेल आ गया है। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, और हरा धनिया के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इस प्याज और शिमला मिर्च जो हमने शॉर्टे करके रखी थी वो डाल देंगे। तो देखिए लग रहा है ना एकदम ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा पनीर मसाला। तो ये देखिए इसे एकदम एंड में ही डालना है, क्योंकि हमको इसका कलर जो है ना ग्रीन कलर, इसको ऐसे ही रखना है, प्याज का कच्चापन भी हमें ऐसे ही रखना है और शिमला मिर्ची का भी। तो इसे ये डालने के बाद आप इसे फौरन थोड़ी देर हिला ले अच्छे से मसाले में, इसे कोट कर ले, और उसके बाद गैस की फ्लेम में बंद कर दूँगी। और ये जो है पनीर मसाला तो ये रेडी है, तभी आपको मैं डिश में निकाल के दिखाती हूँ। इसका कलर भी देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा रेड कलर आया है, और स्वाद में तो ये बहुत ही अच्छा है, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ या घर की नॉर्मल रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो राइस के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो इसी मसाले को पनीर बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप नीचे इस तरीके से इस मसाले को बनाएं और ऊपर से राइस इसके ऊपर डाल दें, तो ये पनीर बिरयानी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में तो लाजवाब है ही।
तो आप लोग ये रेसिपी अगर ट्राई करो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे आप क्या देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी जो अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा, मुँह में पानी आ रहा होगा देखकर। तो जल्दी जल्दी बनाए और खाए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। ये देख सकते हो कितना अच्छा बना है, ये देखिए भाई मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। मैं जा रही हूँ खाने, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।